एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। देखेंगे कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है, ये किसान किसी जाति क्षेत्र संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे, जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। और बहुत वो सरकार बताएगी 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और कानून तब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं, अपना सवाल पूछें। ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी। जब बनेगी कमेटी बनने के बाद जब सीधे सामने आएगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। एपी सिंह जी ये बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, उनके तो नुमाइंदे आज हियरिंग में तक नहीं आए, उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है, मैंने कहा इस जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते। ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है देश। लेकिन वहाँ पे कोर्ट पे सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस, वो सब झूठ साबित हो गया। इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है। कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। किसानों ने कहा कि हम कमेटी को नहीं मानेंगे, अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, कमेटी के नाम आएंगे फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात। सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे, किसानों के साथ है और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। हाँ वो भाई अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, हमने ये भी। हाँ दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था, हमने वो भी बताया कि हमने किसान यूनियनों से अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं, जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है, और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का होना किसी आंदोलन में। तो लेकिन हिंसा क्यों होगी? किसान जो अपनी सुसाइड कर रहे हैं, जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो हिंसा कहाँ से करेंगे? वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करने वाले कभी हिंसक नहीं हो सकते, वो अहिंसक हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, गांधी जी की तरह आंदोलन चल रहा है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके आंदोलन जो हमें सिखाया उन्होंने, जिस तरह से सरकारों से बात करने का, हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा। देखिए वो पूरा है, सब कुछ है, ऐसे तो सिविल सूट नहीं पड़ सकता, कोई कानून में हेल्प नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती है, बहुत सी चीजें हैं, उन पर विस्तार से यहाँ भी इतना नहीं समय है कि कानून की जितनी खामी, इसीलिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे, फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी, और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसान सिर्फ धरती से फसल उगाना जानता है, कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो गई और केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। तो अगले आदेश तक कृषि कानून के अमल पर रोक लग गई है और एक समिति बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है,
इसमें अब बातचीत होगी, इसमें सुझाव लिए जाएंगे। तो किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और बड़ा झटका लगा है सरकार को। अविनाश हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं आज की सुनवाई की? जी देखिए उदेश, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां काफ़ी महत्वपूर्ण की हैं। पहली तो टिप्पणी यह की है कि जिस तरीके से 26 जनवरी को तमाम सारे किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि वो ट्रैक्टर परेड करेंगे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, इसे वो दिल्ली पुलिस पर छोड़ती है कि किसे दिल्ली के अंदर प्रवेश देना है, किसे नहीं देना है, ये दिल्ली पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस करेगी और इस पर हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही कि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से जो हलफनामा दायर किया था और कहा था कि किसान संगठन कई सारे उनके संपर्क में आए हैं और को कहा है कि ये कृषि कानून अच्छा है, इसलिए लिहाजा इसके अमल पर रोक न लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके हलफनामा भी एक बिना सुनी और इन तीनों कानूनों के अमल पर फिलहाल स्टे लगा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि उसका मकसद ये नहीं कि कानून को खत्म किया जाए, लेकिन कानून का विस्तृत अध्ययन जरूरी है और लिहाजा इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इन तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगा दी है। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन तमाम सारे दलीलों में आज खालिस्तान का भी जिक्र आया। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जिक्र किया है कि खालिस्तान का मूवमेंट वहां पर रहा है और तमाम सारे जो खालिस्तानी हैं वो इन मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं, फंड कर रहे हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा मांग लिया है और कल केंद्र सरकार को जो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है इस आंदोलन के अंदर, इसको लेकर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी घोषित कर दी है। अब ये 4 सदस्यीय कमेटी सभी लोगों से बातचीत करेगी, चाहे वो किसान पक्ष हो, सरकार पक्ष हो, जो ट्रेडर्स हैं उनके साथ बातचीत करेगी और जो लोग भी जिनको लगता है कि इस आंदोलन से उनको समस्या है वो अपने आप को इस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं इन कमेटी के सदस्यों का नाम बताना चाहूंगा, इसमें जितेंद्र सिंह मान है जो कि प्रेसिडेंट हैं भारतीय किसान यूनियन के, इसके अलावा अगर बात करें तो प्रमोद कुमार जोशी हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो अशोक गुलाटी हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और इसके अलावा अनिल धनवत है, सेतकारी संगठन है महाराष्ट्र का, वहां के हैं ये। तो ये 4 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने घोषित की है जो अब तमाम सारे पक्षों से बातचीत करेगी और बातचीत करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। बिल्कुल, लेकिन अविनाश सवाल यह है कि वो किसी को कार का काम था, संसद का काम था, संसद में ये वापस लेगा क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है ना। हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होंगे और वो भी संसद में वापस नहीं होंगे। उससे उससे कोई फायदा नहीं है अगर संसद के बाहर ये स्टे हो जाए। बिल्कुल, पार्लियामेंट के बाहर ये काम हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो किसानों की बात सुनी है, सुन के उन्होंने देखा है, नजारा देखा है आजू बाजू, कितना किसान आया, लाखों में आया, एक प्रदेश से नहीं है, सारे इंडिया से आया हुआ है, तो ये बात तो छुपा ही नहीं सकते, ना सरकार छुपा सकती है, क्योंकि मीडिया ने अभी टेकअप कर लिया है। गोदी मीडिया जितना मर्जी काम कर ले, रोक नहीं सकती। ये ऐसा एक तरफ का आंदोलन चला हुआ है, ये पूरी पूरी कंट्री को साथ लेके चला हुआ है और बहुत आगे मुद्दे और भी निकलेंगे जितना जारी रहेगा ये। जी हाँ, हर कोई किसान है, हम बेसिकली किसान ही है ना, हम खाते क्या है, किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना, बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो? जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना, हम किसान ही है, सारे किसान ही, और जड़ काट रही है वो सरकार हमारी, हमारे स्टे वो सिर्फ एक लॉली पॉप है कि हाँ ये चुप हो जाए और ये अपने अपने घरों को चले जाए, ऐसा नहीं होगा, वापस है तो वापस ही लेने पड़ेंगे। बिल्कुल, और अविनाश सवाल ये है कि 4 सदस्यीय समिति तो सरकार ने बना दी, लेकिन सरकार की तरफ से क्या दलीलें रखी गई जो काम नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम समिति बना रहे हैं, फिलहाल इस पर हम रोक लगाएंगे?
देखिए अगर बात करें तो सरकार की ओर से ये दलील जरूर रखी गई थी कि कई सारे किसान संगठन हैं जो इस कानून को चाहते हैं, ये उनके लिए हितकारी है, लाभकारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील नहीं सुनी। इसके साथ साथ सरकार ने जो ये तमाम सारे आंदोलन चल रहे हैं इसमें खालिस्तान का होना भी जिक्र किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको लेकर केंद्र सरकार हलफनामा दायर करे कि किस तरीके से खालिस्तान इसमें शामिल है, इस आंदोलन को किस तरीके से फंड कर रहा है और कैसे केंद्र सरकार कह रही कि इस आंदोलन के अंदर खालिस्तान शामिल है। तो जाहिर तौर से बात है कि काफी महत्वपूर्ण है आज का सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जिक्र किया खालिस्तान के इस आंदोलन के अंदर, और खुद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको इस बात की पुष्टि हुई है कि वहां पर कुछ खालिस्तानी जुटे हुए हैं और कुछ खालिस्तानी वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस के नाम पर वहां पर तमाम सारी चीजें की जा रही है, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार से हलफनामा मांग लिया गया है। अब केंद्र सरकार कल इस पर हलफनामा देगी कि किस तरीके से वहां पर खालिस्तान का जो एजेंडा है वो चल रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से हलफनामा दायर करके तमाम तरह किसान संगठनों का जिक्र कर रही थी कि जिससे उन्होंने केंद्र सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील नहीं सुनी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जब तमाम सारे इतने सारी संख्या में किसान बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, जिसमें बूढ़े शामिल हैं, बुजुर्ग शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, ऐसे में जो है इनको भी ध्यान में रखना होगा, और इसलिए जब तक ये तमाम सारे आंदोलन को समाप्त नहीं करा लिया जाता, बातचीत से समाधान नहीं निकल जाता, तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगाई जाती है। और चूंकि केंद्र सरकार जिस तरीके से बातचीत करने में विफल रही है, 8 दौर की बातचीत की है, इसके बावजूद उसे सफलता नहीं मिली है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। जी बिल्कुल। और अविनाश, सुप्रीम कोर्ट ने बीती सुनवाई में चिंता कोरोना को लेकर भी जताई थी, किसानों के सेहत को लेकर भी जताई थी, क्या किसानों को भी कुछ हिदायत, ताकीद या निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं? देखिए अगर बात करें तो किसानों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्यतः 2 प्रमुख कार्य किए हैं। पहला तो यह है जो तीनों कृषि कानून है इसके अमल पर रोक लगा दी है, यानी कि अब तीनों कृषि कानून कहीं पर भी लागू नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का अगला आदेश नहीं होता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। अब ये कमेटी तमाम सारे जो लोग हैं उनसे बातचीत करेगी, जिसमें किसान भी हैं, सरकार भी है, ट्रेडर्स भी है, और भी जो तमाम लोग हैं जिनको लगता है कि इसकी वजह से किसान आंदोलन की वजह से उनको समस्या हो रही है, तो तमाम सारे लोगों से बातचीत करेगी और इस पूरे जो कानून है इसका अध्ययन करेगी, इसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी और सुप्रीम कोर्ट आगे का ऑर्डर पास करेगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार चाहता था कि 26 जनवरी को जब परेड होने वाली हो और जिस तरीके से किसान नेता चेतावनी दे रहे हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई अपना डिसीजन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस देखेगी, दिल्ली पुलिस की यह मर्जी है कि वो किसको शहर में एंट्री देती है या किसको शहर में एंट्री नहीं देती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं और दोनों आदेश यही है कि पहले तो कमेटी का गठन कर दिया गया है और दूसरा यह कि तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी गई है। जी बिल्कुल। और अविनाश, जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया है, क्या कमेटी के सामने कोई मियाद भी है और कमेटी के लोग किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे, कमेटी बुलाएगी लोगों को या कमेटी खुद जाएगी उनके पास, किस तरीके से पूरा कामकाज आगे बढ़ेगा? जी देखिए वो कमेटी अपने अनुसार काम कर सकती है, कमेटी को अगर लगता है कहीं जाकर बातचीत करनी चाहिए तो जा सकती है, अगर किसी को बुलाकर बातचीत करना चाहती है तो बुलाकर बातचीत कर सकती है। जिनको भी लगता है कि उनको कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, उनकी समस्याएं हैं इस किसान आंदोलन से, वो कमेटी के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं, क्योंकि इंडियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी अपने वकील के जरिए कहा था कि वो भी इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहती है, चूंकि उसके भी कई सारे ट्रेडर्स को नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए लिहाजा उसको भी इस कमेटी में शामिल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि आप कमेटी के समक्ष अपनी समस्याएं रख सकते हैं और अपनी समस्याओं से कमेटी को अवगत करा सकते हैं, आपको कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। इसलिए जिनको भी लगता है कि उनको कमेटी के सामने जाकर अपनी बात रखनी चाहिए, कमेटी इसके लिए स्वतंत्र होगी और वो व्यक्ति भी स्वतंत्र होंगे जो अपनी कमेटी के सामने जाकर बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अविनाश हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है, 4 सदस्यीय समिति बना दी है। फिलहाल न्यायालय की आदेशित समिति जो है डॉक्टर प्रमोद जोशी इसमें है और 4 सदस्यीय समिति अब तमाम मामलों को देखेगी। समिति में जितेंद्र सिंह होंगे, समिति में डॉक्टर प्रमोद जोशी भी रहेंगे और ये 4 सदस्यीय कमेटी अब सभी पक्षों से बात करेगी। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी समिति के सदस्य हैं, अनिल धनवत भी समिति के सदस्य हैं और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, तीनों कृषि कानून के अमल पर रोक लगाई गई। और देखिए अब तस्वीरें भी आ गई हैं,
जो अमल पर फिलहाल रोक लगी है। किसान अब उत्साहित हैं और उन्होंने अपना जश्न शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें अब आप सामने आने लगी हैं, अलग अलग जो दिल्ली के बॉर्डर हैं वहां से किसान खुशी मना रहे हैं, किसान जश्न मना रहे हैं। फिलहाल कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये अनिश्चितकालीन नहीं है और इस पर अब समिति आगे बात करेगी। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, किसानों के जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी, हालांकि अमल पर रोक अनिश्चितकालीन नहीं है, लेकिन किसान इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। जिनको आदेश अगर बात करें तो तमाम सारे किसान नेता यही चाहते थे कि इस कानून के अमल पर रोक हो, और उनकी एक ही मांग थी कि तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि अभी इसके अमल पर रोक लगेगी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है तो अब किसान नेता इसको लेकर बैठ कर आपस में मंथन करेंगे, और जो उनके वकील हैं उनके वकीलों के जरिए भी वो समझेंगे कि आगे उनको कानूनी पहलुओं से किस तरह की करना चाहिए, क्योंकि अब कमेटी का गठन हो गया है। कमेटी अब किसान नेताओं को भी अप्रोच करेगी और किसान नेताओं को भी कमेटी के समक्ष पेश होना होगा। तो ऐसे जो तमाम सारे किसान नेता है कुछ देर के बाद अपने वकीलों के साथ मंत्रणा करेंगे और आपस में बैठक करेंगे कि आगे किस तरीके से उनको कमेटी के समक्ष पेश होना है और आगे किस तरीके से आंदोलन को ले जाना है। बिल्कुल अविनाश, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समस्या का हल चाहते हैं, कमेटी बना दी गई। सुप्रीम कोर्ट को इसको खत्म करने के लिए इसको अपना हुक्म जारी करना था कि इसको रद्द करने के लिए, जो सरकार को हो कि इस पर कोई शर्त रखे सरकार पर कि इसको रद्द के मीटिंग बुलाकर सरकार रद्द करे इसको, उनको बात तो हमारी जथेबंदी का तो यही है कि हमने इसको रद्द कराना है। वो सुप्रीम कोर्ट इस पर केंद्र को सरकार को बोलती है यहाँ कैसे फैसला लेती है, कैसे रद्द कराना है सुप्रीम कोर्ट, क्या इसमें जो देश को फैसला दे सकती है। तो हम तो वही आस रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे कानून रद्द करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि जो हमारे जो संगठन है जो हमारे यहाँ बैठे हैं हम डेढ़ महीने से अपने घरों में जा सकें। नहीं देखो, स्टे तो स्टे की बात तो यही है, तो स्टे कितना है क्या है, स्टे चलेगा तो लंबा स्टे चलेगा तो हम चले जाएंगे, स्टे तो आगे कौन केस बड़ा लंबा चलता है तो उसमें तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं। हमारा जो जो संघर्ष चल रहा है हम इसे उठा तो सकते हैं नहीं ना, हमारे लीडर भी उठा लेंगे, क्योंकि चला जाएगा तो हमारा जो संघर्ष है खत्म हो जाएगा। उसमें क्या होता है कितनी देर चलता है ये तो नहीं है, ये तो एक मौके पर फैसला लेने वाला है सुप्रीम कोर्ट के, क्या केंद्र को क्या कहती है कि कितने दिनों में, एक दिन में, दो दिन में, 26 से पहले कब इसको फैसला लिया जाए, उसको रद्द किया जाए और उसको संघर्ष को खत्म किया जाए, तो फिर ही बात मानती है। तो इसमें स्टे तो कहना लंबा हो जाता है, तो स्टे में वो तो बात नहीं, हम जाएंगे तो नहीं, फिर कितने देर, एक साल का स्टे हो जाएगा तो हम साल तो बैठेंगे नहीं यहाँ, तो क्या बात है कि साल बैठेंगे, फिर बैठेंगे तो बैठना पड़ेगा ना, फिर कितनी लंबी स्टे होती है। तो स्टे की बात तो चलो है, कुछ दिनों के लिए स्टे आप कर दिया, उससे 26 से पहले कैसे, जो 26 में हमारा मार्च करने की बात की है हमारी जथेबंदियों ने, तो यो भी ना होवे तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस पर शर्त रखे कि इतने दिनों में या 15 तारीख को जो हमारी मीटिंग होने वाली है यहाँ से, 15 तारीख को रद्द करें हमारे कानून तो संघर्ष खत्म हो सके। तो अब क्या मीटिंग आगे होगी किसानों की, किस तरीके से आगे आगे करें, क्या प्रदर्शन है जो आपका चल रहा है, कई बार चलता रहेगा, किस तरीके से? नहीं तो है ही, हम हमारी जो बड़े लीडरों ने क्या कहा है कि 26 तारीख को हम दिल्ली में मार्च करेंगे, वो तो पहले प्रोग्राम दिया ही है, पहले से दिया है, उससे पहले 15 तारीख की जो सरकार के साथ मीटिंग हो रही है उसने बुलाया है, हो सकता है सरकार को कोई सभी कोड, हम तो चाहते हैं कि उसको कहें 15 तारीख को ख़त्म कर दें ताकि जो हम घर बैठ कर जो है। बिल्कुल, तो किसान खुश हैं, हालांकि अब आगे की रणनीति क्या होगी ये समझना ज़रूरी है। गाजियाबाद से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, पहली जीत के तौर पर किसान जश्न मना रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या किसान अब वापस अपने घर चले जाएंगे, 26 जनवरी के परेड कैंसिल होगी क्या, और क्या रिएक्शन है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद? जी बिल्कुल, किसानों में एक तरह का उत्साह भी देखा जा सकता है, लेकिन किसानों का अभी यही कहना है कि कानून निरस्त क्यों नहीं किया, कानून को होल्ड क्यों किया। किसान हमारे साथ है, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून है उसको होल्ड कर दिया है, उसको लेके क्या कहना आप लोगों का, आप घर जाएंगे नहीं जाएंगे? देखो अभी 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 आपके माध्यम से खबर मिल रही है, लीगल एडवाइजर जब तक हमारे नेताओं से सलाह नहीं लेंगे, नेता उनसे सलाह नहीं लेंगे, तब तक कोई उत्साह नहीं। किसान बिल्कुल डटा पड़ा है, किसान के साथ सरकार ने धोखा किया था। अभी अभी अगर कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है तो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं,
कोर्ट ने ठीक लिया है, लेकिन सरकार पे हमें भरोसा नहीं है कि सरकार अभी भी कुछ भी कर सकती है। सरकार अभी भी कुछ भी कर सकती है और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। इधर आइए, आप ये बताइए कि कोर्ट ने आपके हित में फैसला दिया है और कोर्ट ने अब कानून को होल्ड कर दिया है, क्या कहना आप लोगों का? अब कब तक घर जाएंगे वापसी आप? कोर्ट से तो हम लोगों ने पूछा ही नहीं था कि ये गलत है या सही है, ये तो कोर्ट से तो हम लोगों ने पूछा ही नहीं था। हम सरकार को ढूंढ रहे थे, इसका मतलब हम तो कोर्ट में गए नहीं, हम तो किसान कोई कोर्ट में गया नहीं, इसका मतलब सरकार आज कोर्ट के अंदर में घुस गई है गोल गोल घुमाने के लिए। विश्वास नहीं है ऐसा कहना है इन लोगों का कि सरकार पे विश्वास नहीं है, कोर्ट पे तो विश्वास है इन लोगों को। कोर्ट का स्वागत करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हम लगातार और किसानों के पास भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हमारे साथ हैं, गौरव टिकैत, आइए इनसे बात करते हैं। गौरव जी से हम बात करते हैं। गौरव जी आप बताइए कि कोर्ट ने फैसला आपके उसमें दिया है, खीर खुवाने जोगा कर दिया कोर्ट ने, और संविधान का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, सबसे ज्यादा किसान जो है सम्मान कोर्ट का करते हैं। खीर खुवा दी, बहुत बढ़िया बातचीत है। लड़ाई एमएसपी की सरकार के साथ में है, एमएसपी की भी तो लड़ाई है। से पूछिए कि क्या किसान वापस जाएंगे अब घर? साफ साफ ये कहना है कि जी बिल्कुल घर नहीं है, घर की लड़ाई तो उसकी है, कोर्ट ने कहा गया इनको हटा दे, कोर्ट ने तो कहा गया शांतिपूर्वक जो है अपना आंदोलन कर रहे किसान, ऐसा आंदोलन कभी हुआ ही नहीं, कोर्ट का तो इतना सम्मान किसान कर रहा है जिसकी कोई बात ही नहीं है। कहना है कि लड़ाई सरकार से है और खीर भी बांटी जा रही है, इस उपलक्ष में यहाँ पर खीर बांटी जा रही है और खीर खिलाई जा रही है लगातार। कोर्ट से तो खुश हैं ये लोग, कोर्ट का सम्मान करते हैं ये भी कहना, लेकिन सरकार पे विश्वास नहीं है इन लोगों को। ये गौरव टिकैत थे जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा के, उनका ये कहना है कि अभी हमारी लड़ाई और लंबी है और बहुत लोग हमारे साथ हैं। अच्छा आप बताइए कि आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है, कोर्ट ने इस कानून को होल्ड कर दिया है, काफी लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो अब घर जाने का क्या रास्ता है? नहीं यार, कोर्ट ने कब तक ये होल्ड किया है, उसका आपने डेट दे रखी है इनको, किसानों को इनके उसके लिए शांति के लिए, इनके अंदर जो जागृति जो पैदा है वो कैसे खत्म होगी? किसानों का तो साफ साफ तौर यही कहना है, चारों तरफ अगर हम तस्वीर दिखाएं तो यहाँ आप किसान ही किसान नजर आएंगे। किसानों में उत्साह तो है, कोर्ट के प्रति उत्साह है और कोर्ट का सम्मान भी करते हैं, ऐसा किसानों का कहना है। और भी बहुत सारे हमारे लोग साथ लोग हैं, आप बताइए कोर्ट ने आपके फेवर में दिया है? फेवर में हमारे, ये तो सरकार ने एक तरह की फटकार कल भी लगाई आज भी लगाई, उसने स्टे लिया, ये केस बिल समाप्त नहीं हुआ, हमारी दो मांगों पे लड़ाई चल रही है, एमएसपी की गारंटी कानून गारंटी स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2 पे लगा के, और ये कानून रद्द, आंदोलन हमारा चलता रहेगा, आंदोलन हमारा बिल्कुल सकती। ये सवाल है, एक बार अगर गौरव टिकैत से बात हो सके तो एक बार बात करिए कि अभी तक तो मांग यही थी कि कानून या तो होल्ड हो या तो खत्म हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने चार लोगों की समिति बना दी है तो सुप्रीम कोर्ट पर भी क्या इनको भरोसा नहीं है? समिति अब हर पक्ष से बात करेगी, फिलहाल कानून होल्ड हो गया है तो फिर घर जाने के बारे में विचार क्यों रही है? दिल्ली वासियों को भी दिक्कत हो रही है इस आंदोलन से। ये बिल्कुल है, ज्यादा बात करने के लिए हम गौरव टिकैत सही बात करते हैं। ये बताइए कि सरकार ने तो क्या नाम संशोधन करने की बात की है, वही कोर्ट ने आज इस लड़ाई को आपकी तरफ दे दिया है कि आपकी जीत हो गई है, आखिर घर जाने का रास्ता कैसे है? क्योंकि घर तो जाना होगा ना, इतना लंबा समय हो गया। दूसरा भी है एमएसपी, ये तो थोपे तो है कानून सरकार ने हमारे पे, थोपना अलग वो है, एमएसपी की लड़ाई भी है। आज 70 साल बाद भी देश में एमएसपी पे किसान लूटता है, उसकी लड़ाई तो है, लड़ाई तो वही तो लेकर आया किसान। एक बात और है जो कि एक आम जनता है इन सड़कों से निकलती है, उन सड़कों पर आज किसान है, तो आखिर उनको भी परेशानी होती, कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ये बात होगी कि लगातार हम जब सड़क पर हैं तो लोगों को परेशानी होती होगी, तो कहीं ना कहीं किसान ने कहां सड़क रोकी? किसान ने तो कहीं नहीं रोकी, तो पुलिस ने तो रोक रखी भाई, पुलिस जो है उसको बैठा हुआ है, उसको जाने दो, प्रोटेस्ट की जगह बना रखी सरकार ने, संविधान में भी दे रखी शक्ति, लेकिन अब समिति हर पक्ष से बात करेगी, अगर जिम्मेदारी समिति को सौंप दी गई है, लोकतंत्र का देश है, तो फिर क्या किसान नेताओं को ये नहीं चाहिए कि घर भेजे किसानों को? 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, क्या उन समिति पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? समिति तो आपकी तरफ से बात करेगी, आपकी तरफ की समिति होगी, 40 संगठनों के पूरे देश भर के किसान उसमें शामिल है, उनके नुमाइंदे शामिल है,
उनसे जो भी डिसीजन आपस में बैठ के कोर कमेटी ने डिसीजन लेगी उस पर पूरा अमल किया जाएगा। संविधान के दायरे में हम लोग हैं, संविधान से न कहीं अलग गए, कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम पावर है उसके बाद तो ईश्वर ही है, उनका पूरा सम्मान करते हैं भाई हर तरीके से। देश के साथ में है, देश में सबसे बड़ा योगदान इस किसान का है हर तरीके से भाई। कोरोना का काल देख लो आप, देश के बॉर्डर पर आप देख लो, हमारे तो भाई बेटे ही तो हैं वहाँ, तो हमारा योगदान है भाई, हम क्यों वो करेंगे, हम तो संविधान के लोग के दायरे के वाले लोग हैं। एक बात और बताइए, 48 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, कोर्ट ने ये भी कहा कि इस आंदोलन में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको तो घर चले जाना चाहिए, कोर्ट में विश्वास करते हुए, और आज कोर्ट ने देखिए आदेश भी दे दिया आपके फेवर का दिया। देखो भाई, जब सभी लोग यहाँ है तो परिवार का अकेला रहेगा वहाँ, वह करते हैं जो है वो, जो ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के उसमें करते हैं, ये सरकारों को अब चाहिए। बिल्कुल, अविनाश के पास भी जाएंगे, लेकिन शक्ति एक सीधा सवाल इनसे पूछिए कि अभी तक जिन किसानों की मौत हुई उसके जिम्मेदार तो सरकार थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है, अब अगर ऐसी दुर्घट घटनाएं होती हैं तो क्या इसके जिम्मेदार ये किसान संगठनों, किसान नेता नहीं होंगे? जी गौरव जी, एक सवाल और है, अभी तक जिन किसानों की मौत हुई है उसकी जिम्मेदार सरकार थी, लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है, समिति बना दी है, तो कहीं ना कहीं अगर अब ऐसी दुखद घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो सरकार ही तो दोषी है भाई, सरकार ने क्यों बिल दिया है, क्यों जो है उसको थोपने की कोशिश कर रही थी, MSP पे क्यों नहीं बातचीत जो है वो करा कि भाई कानून बना के जो है MSP से नीचे की खरीद नहीं होने, तो सरकार ही तो दोषी है। किसान कहाँ है भाई, किसान तो अपने घर बार घेर घर छोड़कर सब कुछ छोड़कर सड़क पा कर रोक क्या वो आ रहा सर, उस पुलिस ने रोक लिया दिल्ली में घुसने से पहले, तो दोषी सरकार है भाई। किसानों का तो साफ तौर पर यही कहना है कि दोषी हम नहीं, बिल्कुल सरकार ही स्थिति में होगी। शक्ति हमारे साथ आप बने रहिए, एक बार फिर से अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, जश्न शुरू हो गया है, खीर बटने लगी है, लेकिन उसके बावजूद अभी किसानों का ये कहना है कि जो 40 संगठन हैं अब वो तय करेंगे, उनकी कोर कमेटी तय करेगी कि घर जाना है वापस या नहीं जाना है। किसान नेताओं की तरफ से, बड़े किसान नेताओं की तरफ से कोई वर्जन अभी तक आया है क्या इस पूरे मामले पर? जी देखिए, अगर बात करें तो जो तमाम सारे नेता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। अभी उनकी आपस में बैठक होगी, आपस में वो मंत्रणा करेंगे कि आगे किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमाम सारे किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं दिया है जिससे ये बात निकल कर सामने आए कि किसानों को यहाँ से जाना चाहिए। तो लिहाजा अब ये किसान नेताओं को तय करना है कि उनको यहाँ से जाना है या यहाँ पर अभी आंदोलन करते रहना है, क्योंकि वो आपस में भी मंत्रणा करेंगे, आपस में बैठ के जो है एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जिसके बाद फिर वो देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। बिल्कुल अविनाश, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आज के पूरे बातचीत की बात करें, फैसले की बात करें, सरकार की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि आखिर 8 दौर की वार्ता हो गई, आप किसानों को समझा नहीं पा रहे तो आगे कैसे समझा पाएंगे, क्या यही वो कुछ सवाल थे जिस पर अटॉर्नी जनरल फंसे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को फिलहाल होल्ड करने का फैसला लेना पड़ा? जी बिल्कुल आदेश, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से दलीलें रखी गई थी, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को काफ़ी सख्त लहजे में टिप्पणियां की थी। उसने सीधे अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल से पूछा था कि अब तक की बातचीत में समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा, हमें नहीं लगता कि आप समाधान निकाल पाएंगे, लिहाजा जब तक समाधान नहीं निकलता है, जब तक बातचीत से हल नहीं निकलता है, तब तक इस कानून के अमल पर रोक लगा देनी चाहिए, जिससे कि किसान नेता भी अपनी तरफ से आके एक खुले माइंड से अपनी बात रख सके और उनके अंदर किसी भी तरीके से कोई शंकाएं ना हो। तो इसीलिए जब तक कि तमाम सारी चीज़ों का समाधान नहीं जाता है, कानून के अमल पर रोक लगाई जानी चाहिए। और इसी को लेकर कल केंद्र सरकार ने हलफनामा भी दायर किया था कि रोक नहीं लगाई जानी चाहिए थी, और उस पर आज बहस भी हुई और दलीलें भी रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक भी दलील को नहीं सुना और इस कानून के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। और इसके साथ साथ एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, ये कमेटी तमाम सारे जो सदस्य हैं किसान नेता के उनसे बातचीत करेगी, सरकार से बातचीत करेगी, ट्रेडर से बातचीत करेगी और इस कानून का अध्ययन भी करेगी, क्योंकि अगर आप इसमें देखिए तो इसमें जो है पॉलिसी मेकर भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, एग्रीकल्चरर भी हैं, तो तमाम तरीके से चारों लोग जो हैं हर तरीके से बातचीत करेंगे और इस कानून का आगे किस तरीके से असर होगा उसको लेकर अविनाश एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं, ये जो समिति बनी है अपना अगला आदेश देगा, समिति में कौन होगा,
कहां कहां से होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किया गया या किसानों की तरफ से कोई सुझाव था, सरकार की तरफ से कोई सुझाव था, ये समिति मेंबर कैसे तय किए गए, समिति कैसे तय हुई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से समिति तय की है और समिति तय करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि वो किसी को खुश करने के लिए इस समिति को नहीं बना रहे हैं। उनका ये मकसद है कि समिति ये अध्ययन करे कि कानून किस तरीके का है और जो भी वाजिब हो उसको ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। तो ये सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने की थी और उन्होंने अपनी तरफ से इन समितियों का गठन किया है। हालांकि कई सारे नाम सुझाए गए थे अन्य, लेकिन उन नामों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से ये कमेटी का गठन किया है। बिल्कुल, बने रहिए अविनाश हमारे साथ। एक बार फिर शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, अगर हम समिति की बात करें तो भारतीय किसान यूनियन के भी नेता हैं जितेंद्र सिंह मान, इसके अलावा हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रमुख प्रमोद जोशी भी हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अशोक गुलाटी भी हैं, अर्थशास्त्री हैं, कृषि अर्थशास्त्री हैं और शिवकेरी संगठन के अनिल धनवत हैं। तो इस समिति को लेकर किसान क्या कह रहे हैं? अगर टिकैत साहब आपके साथ हों तो क्या समिति पर उनको यकीन है या फिर वो ये मानते हैं कि और कुछ लोग होने चाहिए थे या फिर और बदलाव इसमें होना चाहिए था? समिति को लेकर क्या सोच है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ किसान बैठे हुए हैं उनका तो साफ तौर पर रुख है और उन्होंने पहले ही रुख कर दिया था। हालांकि कल ये फैसला नहीं आया था, लेकिन उसको लेकर भी, उसके बाद भी किसानों ने रुख तय कर दिया था कि हम तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक कानून निरस्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम तब तक वापस नहीं जाने वाले जब तक सरकार बिल वापसी नहीं लेगी। तो किसानों का तो साफ तौर पर यही कहना पहले से था और आज भी यही कहना है। जिस तरीके से हम किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, तो किसानों का तो साफ तौर पर यही कहना है कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे। लगातार किसान जिस तरीके से 48 दिन हो गए, हर सवाल पूछा हमने पूछा कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन जवाब वही कि अगर हम यहाँ पर हैं तो बच्चे कैसे घर पर रह जाएंगे, महिलाएं कैसे घर पर रह जाएंगी। सवाल वही जस का तस बना हुआ है कि यहाँ लगातार जिस तरीके से 48 दिन से जो प्रदर्शन चल रहा है उसे कैसे सफल बनाया जाए और कैसे जो नए कृषि कानून बिल हैं उसे कैसे वापस लिया जाए। जब अगर हम घर वापस चले गए तो किसानों को ये भी कहना कि अगर हम घर वापस चले गए, खीर बांटने की तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन इन सबके बीच वहां पर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, और शक्ति आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशीष पांडे जुड़ गए हैं। आशीष जी, जिस तरीके से पूरी सुनवाई हुई कल और आज, ऐसी क्या क्या वो महत्वपूर्ण बातें और तर्क रहे जिसके बाद सरकार को ये झटका झेलना पड़ गया और ये कानून पर होल्ड करने का फैसला आया कि कानून फिलहाल होल्ड होगा थोड़े दिन के लिए? आशीष जी, सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। क्या वो मुख्य बिंदु रहे कल और आज की बहस में जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि फिलहाल कानून पर होल्ड करना जरूरी है? जी देखिए, पिछली कई डेट से सुप्रीम कोर्ट की मुख्य कंसर्न ये रही है कि ये सिचुएशन जो इवॉल्व हो रही है ये किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को ये निर्देश दे रहा था कि आप अपने स्वतः ही इन कानूनों को होल्ड पर रखकर किसानों के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करिए जिससे कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन सके। लेकिन सरकार का व्यू शायद इससे डिफरेंट था, वो इन कानूनों को होल्ड पर नहीं रखना चाहती थी, इसलिए मजबूरन आज सुप्रीम कोर्ट को इन कानूनों को होल्ड पर रखना पड़ा। देखिए, इस चीज को भी समझने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट का ये कतई मानना नहीं है कि दे आर एक्सपर्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड दे आर नॉट गोइंग टू डिसाइड थिंग्स ऑन मेरिट्स। इसके लिए 4 मेंबर्स कमेटी फॉर्म की गई है। इस कमेटी के सामने किसानों को अपीयर होकर जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं वो रखेंगे और इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसमें आगे कुछ डिसीजन। जी, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो अभी तक सरकार और किसानों के बीच वार्ता हो रही थी वो वार्ता और वो जो भूमिकाएं थी वो खत्म हो गई, अब पूरी जो गेंद है उस समिति के पाले में? जी जी जी, ये कहना आपका बिल्कुल ठीक है कि इस समय गेंद समिति के पास है, लेकिन ये भी देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि किसानों का रुख क्या रहता है। जहां तक किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो एडवोकेट्स थे वो आज कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुए और मुझको नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी मंशा है, वो इस कमेटी के सामने अपीयर होना चाहते हैं। तो ये देखना एक महत्वपूर्ण होगा कि किसानों का इस पर रुख क्या रहता है। अगर किसान कोऑपरेट नहीं करेंगे तो शायद इस कमेटी का जो पर्पज है कॉन्स्टिट्यूट करने का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, एक सवाल और भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर फिलहाल होल्ड किया, समिति बना दी, किसान जो अभी दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर डटे हैं
चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी उनकी सेहत को लेकर, कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर, क्या उनके डटे रहने को लेकर, आंदोलन को लेकर भी कोई टिप्पणी या चिंता, यह कोई निर्देश आया है? नहीं देखिए, उनको डटे रहने को लेकर कोई निर्देश नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि दिल्ली पुलिस को किसान अपनी एक एप्लीकेशन देंगे जहां पर वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जगह की मांग करेंगे। ये जगह रामलीला मैदान भी हो सकती है या कोई दूसरी जगह भी हो सकती है। ये देखना भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा कि किसानों का इस पॉइंट पर क्या रुख रहता है। वो अपनी जगह पर ही डटे रहते हैं या दिल्ली में एक अलॉटेड जगह पर एक डेमोन्स्ट्रेशन कानून संगत तरीके से करने के लिए तैयार होते हैं। जी, लेकिन फिर यहाँ पर एक चीज और आ जाती है कि अगर जो किसान है वो दिल्ली पुलिस से जगह मांगते हैं और कोरोना का हवाला देते हुए, कोरोना के नए स्ट्रेन का हवाला देते हुए अगर अनुमति नहीं मिलती डेमोन्स्ट्रेशन की और फिर भी किसान डटे रहते हैं, तो क्या अब आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस के पास ये अधिकार होगा कि बलपूर्वक किसानों को हटाया जा सके? नहीं, मुझको लगता है ये दोनों ही जो पॉसिबिलिटीज आपने मेरिट की है, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं होगी। अब दिल्ली पुलिस के सामने ये संभव नहीं होगा उनके लिए कि वो किसानों को जगह के लिए मना कर सके, क्योंकि डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। और किसानों के लिए भी शायद अब इतना उचित नहीं होगा कि वो अपनी जगह पर डटे रहें, क्योंकि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है तो हम सब देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करें। बिल्कुल सर, ये भी आप समझना चाहेंगे, कल जो बात हुई थी उसके बाद आज जो बातचीत हुई, सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल पक्ष नहीं रख पाए बेहतर ढंग से, या फिर कुछ बिंदु और पहलू इतने कमजोर पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले तक पहुंचना पड़ गया, समझा नहीं पाए कि आठ दौर की वार्ता में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू क्या है, इस चीज को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट इस समय कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर कोई डिसीजन नहीं दे रहा है या उनको एनालाइज नहीं कर रहा। इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था वो ये था कि किसान दिल्ली की बॉर्डर पर इस तरीके की परिस्थितियों पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और ये सिचुएशन है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकती है। जब ये सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकती है और एक एप्रिहेंशन था कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो सकता है, तो आर्टिकल 21 ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को बार बार निर्देश दिया कि आप इन कानूनों को होल्ड पर रख दी, जिससे कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो और उसके बाद आप किसानों से वार्ता करें। जिस तरीके से वार्ता चल रही थी, कई दौरों की वार्ताओं के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे। कल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय मांगा, ये कहा कि वार्ता का नतीजा निकलने ही वाला है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट इस चीज को आगे मानने के लिए तैयार नहीं था और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि आज ये ऑर्डर आया जहां पर फॉर्म लॉस को होल्ड पर रखा गया है और एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आशीष पांडे जुड़े थे, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और उनका कहना है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं थी, इसके अलावा अन्य जो बातें थी उसको लेकर समिति बनाई गई है, और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो गेंद है वो समिति के पाले में है, अगर किसान कोऑपरेट करते हैं तो, वरना अगर किसान कोऑपरेट नहीं करते तो ये कवायद भी बेकार जा सकती है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शक्ति हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शक्ति, किस तरीके का जश्न चल रहा है, खीर तो बढ़ रही थी, आगे भी कुछ प्लान है क्या वहां पर? ये देखिए, जश्न की तस्वीर आप खुद ही दे सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान है, किसानों का यहाँ जमावाड़ा लगा हुआ, लगातार खीर खाई जा रही है, खीर बांटी जा रही है और लगातार एक जश्न का माहौल कह सकते हैं इसे। लेकिन किसानों का ये भी कहना है कि जश्न हमारा उस दिन होगा जिस दिन तीनों बिल वापसी होंगे, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को होल्ड पर रखा, निरस्त नहीं किया, लगातार किसान हमारे साथ हैं। आप बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उच्च फैसला दिया किसानों को लेकर, कानून को होल्ड पर रख दिया, अब कब तक रहने का इरादा है सड़क को? देखिए, किसानों की तो कोई गलती है ही नहीं, और हम माननीय उच्च न्यायालय का हम उनका सराहना करते हैं कि उन्होंने कम से कम किसानों का यह ख्याल रखा, और उनको अभी तो केंद्र सरकार को देखना है कि वो गलती उन्होंने की है। किसान तो अहिंसक आंदोलन कर रहा है, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और अपनी मांगों को लेकर के आया हुआ है। मैं माननीय न्यायालय से अनुरोध करूँगा कि किसानों के हित में ऐसा फैसला आगे को फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए कि भाई देखो, गलती अगर किसान करते, लगातार अगर हम बात करें तो स्थिति वही है जो पहले थी, स्थिति जस की तस बनी हुई है और किसानों का अभी भी वही कहना है।
कि हम वापस नहीं जाएंगे। वापस जाएंगे नहीं, अब देखने वाली बात होगी कि किसान नेता जो है वो क्या फैसला लेते हैं। निगाहें सख्ती उस पर भी बनाए रखिएगा। अविनाश आपके पास भी आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बड़े जो किसान नेता है 40 संगठन जो है क्या इनकी तरफ से कोई रिएक्शन आ रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है और बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन के बीच कृषि कानून को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। समिति बना दी है 4 सदस्यीय और ये 4 सदस्यीय समिति अब अलग अलग पक्षों से बात करेगी और उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।